आज हम बात कर रहे हैं फिल्मी दुनिया की एक ऐसी जोड़ी के बारे में जो पर्दे पर भी सफल रही और निजी जिंदगी में अपने रिश्ते में भी, जहां लड़का भारत के एक कोने से तो लड़की दूसरे कोने से थी, एक पंजाब का जट तो एक मद्रास की अयंगर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के बारे में। क्या आप जानते हैं कि जब हेमा ने धर्मेंद्र को पहली बार देखा तो वे उन्हें इतना पसंद आए थे कि उन्हें लगा शादी हो तो ऐसे ही किसी बंदे से, लेकिन उन्होंने धर्मेंद्र ही उनके जीवन साथी हो ऐसा नहीं सोचा था, क्योंकि वे जानती थी कि धर्मेंद्र शादीशुदा है। और इस बात का जिक्र हेमा मालिनी ने अपनी बायोग्राफी द ऑथराइज्ड बायोग्राफी में भी किया है। एक इंटरव्यू के दौरान हेमा ने बताया था कि उन्होंने जब पहली बार धर्मेंद्र को देखा तो उसी पल उन्हें लगा कि कोई ऐसा ही उनकी लाइफ में शामिल होना चाहिए, क्योंकि धर्मेंद्र हेमा को बेहद हैंडसम लगे थे। और वाकई धर्मेंद्र अपने जमाने के बेहद ही हैंडसम हीरो रहे हैं। आ बता दे ये तुझे कैसे जिया जाता है। जिस तरह फिल्म गुड्डी में जया को उनके लिए दीवाना दिखाया गया था, ये कहना गलत नहीं होगा कि सिचुएशन वाकई में वही थी। धर्मेंद्र की खूबसूरती उनके साथ काम करने वाली अदाकाराओं के दिल पर सीधा असर करती थी। लेकिन ये पूरी लव स्टोरी क्या है, धर्मेंद्र के शादीशुदा होने के बावजूद ये शादी कैसे हुई, हेमा के परिवार वालों की सख्त ना के बावजूद कैसे हेमा धर्मेंद्र के प्यार में दीवानी हो चुकी थी, शादी करने के लिए क्या क्या दिक्कतों का सामना इन दोनों को करना पड़ा था, कैसे जितेंद्र इन दोनों के बीच असल जिंदगी के विलेन बन गए थे, जानेंगे इस किस्से के बारे में और भी बहुत कुछ। आप बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त ज्योति, और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्लासिक एरा। आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड के और दर्शकों के बीच पसंद किए जाने वाले एक ऐसे कपल के बारे में जिनके प्यार की और शादी की दास्तान बेहद फिल्मी है। कहानी शुरू करते हैं हेमा मालिनी से। हेमा मालिनी एक ऐसी अभिनेत्री रही है जिनकी सुंदरता के बारे में कोई दो राय हो ही नहीं सकती। ये इतनी खूबसूरत अदाकारा रही कि इनके साथ काम करने वाले सभी अभिनेता इनकी तरफ आकर्षित हो जाते थे और शादी का ख्वाब बुनने लगते थे। इधर हेमा का परिवार कट्टर धार्मिक परिवार था, जो अपनी बेटी की शादी अपनी ही बिरादरी के अंदर करना चाहते थे। बात करते हैं थोड़ा शुरू से, जब हेमा को संजीव कुमार के साथ फिल्म धूप छाव में काम करने का मौका मिला। फिल्म की शूटिंग चल रही थी और इधर संजीव कुमार हेमा मालिनी को इस कदर पसंद करने लगे थे कि उन्हें वो अपने जीवन साथी के तौर पर जचने लगी थी। ये पसंद एक तरफा नहीं थी, हेमा भी संजीव कुमार को पसंद करने लगी थी। हालांकि कुछ महीने की शूटिंग के बाद ये फिल्म बीच में ही रोक दी गई, पर इन दोनों की दोस्ती जारी रही। और फिर एक दिन संजीव कुमार अपना रिश्ता लेकर हेमा के माता पिता के पास चले गए, और यहाँ बारी थी संजीव कुमार के दिल टूटने की, क्योंकि हेमा के परिवार ने इस शादी से साफ इनकार कर दिया। खैर, सफर आगे बढ़ता गया और हेमा मालिनी को अब काम मिला धर्मेंद्र के साथ। फिल्म का नाम था तुम हसीन मैं जवां। आपको पहले भी कहीं देखा है, ख्वाब में या रूबरू पर देख। इससे पहले हेमा की कुछ ही फिल्में रिलीज हुई थी, वहीं धर्मेंद्र एक सफल स्टार थे। हेमा को धर्मेंद्र बेहद चार्मिंग लगते थे। जहां हेमा एक तरफ उनकी ओर आकर्षित हो रही थी, वहीं धर्मेंद्र भी उनकी खूबसूरती को नजरअंदाज नहीं कर पा रहे थे। लेकिन दोनों के हालात ये थे कि हेमा एक बेहद ही स्ट्रिक्ट फैमिली से थी, वहीं धर्मेंद्र न सिर्फ शादीशुदा थे बल्कि एक पिता भी थे।
यहाँ मजेदार बात ये थी कि हेमा का परिवार इस बात से सुकून में था कि हेमा अब संजीव कुमार को भूल चुकी है और धर्मेंद्र के साथ हेमा काम करें इस बात से उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं थी क्योंकि धर्मेंद्र शादीशुदा और बाल बच्चेदार आदमी थे। गौरतलब है कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने करीब 28 फिल्मों में साथ में काम किया। तुम हसीन, मैं जवान, नया जमाना, राजा जानी, सीता और गीता, पत्थर और पायल, दोस्त, शोले, चरस, जुगनू जैसी फिल्मों का जिक्र किया जा सकता है। ये फिल्म 1970 से 1978 तक रिलीज होते रही। दोनों पहले ही एक दूसरे की तरफ आकर्षित थे, अब साथ में काम करते करते इस कदर हालात बन चुके थे कि दोनों के लिए एक दूसरे से अलग रहना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। फरवरी 1976 में मैगजीन में एक इंटरव्यू के दौरान दोनों ने अपने प्यार को कबूल भी कर लिया, लेकिन साथ ही हेमा ने ये भी कहा कि कोई भी कारण नहीं है कि हम दोनों शादी ना करते, पर क्या कर सकते हैं, धर्मेंद्र शादीशुदा है। खबरों के मुताबिक इस इंटरव्यू के बाद हेमा की माँ अब उन्हें शूटिंग पर भी अकेला नहीं छोड़ती थी। अब जिक्र करते हैं कि कैसे इन दोनों की लव स्टोरी के बीच विलेन बनकर जितेंद्र ने एंट्री मारी थी। दरअसल हेमा ने ईयर 1967 में एक फिल्म वारिस में जितेंद्र के साथ काम किया था। यहाँ गौरतलब है कि जितेंद्र पहले से ही शोभा सिप्पी के साथ सगाई कर चुके थे, जो उनकी काफी समय से गर्लफ्रेंड थी। दोनों की यानी जितेंद्र और हेमा की कुछ फिल्में साथ में आई थी, जिसमें फिल्म खुशबू का जिक्र करना बेहद जरूरी होगा। मैं बाहर गाड़ी में बैठा हूं। तेरा के बैठ जा, जब तक चरण तैयार हो जाता है। नहीं, मैं बाहर ही ठीक हूं। वो क्या अच्छा होगा, चार आदमी घर के बाहर बैठे देखेंगे। किस्सा ये था कि दिलफेक जितेंद्र हेमा के साथ काम करते करते उनके साथ शादी का सपना भी देखने लगे, और पहले से ही एक रिश्ते में होने के बावजूद हेमा के घर उनके माता पिता के पास शादी का प्रस्ताव लेकर चले गए। इधर हेमा के परिवार ने आनन फानन में रिश्ता मंजूर कर लिया, क्योंकि धर्मेंद्र शादीशुदा थे और जितेंद्र कम से कम कुंवारे थे, इसीलिए जितेंद्र के साथ शादी करने के लिए हेमा के परिवार ने हेमा पर दबाव डाला। ना चाहते हुए भी हेमा को ये जबरदस्ती की शादी स्वीकार करनी पड़ी, क्योंकि धर्मेंद्र के साथ शादी वैसे भी मुमकिन नहीं थी। सो तय हुआ कि शादी मद्रास में जाकर गुपचुप तरीके से कर दी जाएगी, पर इतनी बड़ी खबर धर्मेंद्र से छिपाना मुश्किल था। जैसे ही धर्मेंद्र को इस बात का पता लगा, उन्होंने जितेंद्र की एयर होस्टेस गर्लफ्रेंड शोभा सिप्पी को ये बात बताई। एक तरफ धर्मेंद्र तो दूसरी तरफ शोभा फ्लाइट पकड़ कर मद्रास पहुंचे, और वहाँ दोनों ने वो हंगामा किया कि जितेंद्र और हेमा की शादी फौरन रोकनी पड़ी, और ऐसे जितेंद्र का पत्ता बिल्कुल साफ हो गया। वो तो अपना समूह लेकर वापस लौट आए, लेकिन इस घटना के बाद हेमा के परिवार के पास हेमा और धर्मेंद्र को दूर करने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन धर्मेंद्र और हेमा की शादी होना अभी भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि धर्मेंद्र अपनी पहली बीवी और परिवार को नहीं छोड़ना चाहते थे, पर वे हेमा के बिना भी नहीं रह सकते थे। तब धर्मेंद्र ने धर्म परिवर्तन करके हेमा के साथ शादी की, क्योंकि हिंदू धर्म के हिसाब से एक शादीशुदा व्यक्ति दूसरी शादी नहीं कर सकता। हालांकि ये शादी बेहद ही साधारण तरीके से हुई। धर्मेंद्र की तरफ से ना कोई बारात थी और ना ही बैंड बाजा, ना ही कोई रिश्तेदार। हाँ, हेमा के घर पर पूरे रीति रिवाज के साथ शादी के इंतजाम किए गए थे, और इस तरह बेहद सख्त रवैया रखने के बावजूद हेमा का परिवार ये शादी नहीं रोक पाया। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं, और यदि आपके पास हमारे लिए कोई सजेशंस हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सुन रहे थे अपनी होस्ट और दोस्त ज्योति को। आज के लिए अब आपसे इजाजत लेना चाहूंगी, और फिर मिलेंगे एक दूसरे सितारे के जीवन की कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।